Hi guys, this is A.K. Rana and you are watching Multitude Hub. Israel alaihi salam ki madad karte huye wukla ne insani ruhon ko azad karne ka beda bhi utha liya hai. 22 saala bachi ke muh pe lage oxygen mask ko utar kar use jahannam wasil kiya. OPD par dhawa bola, emergency par kabza kiya aur ICU mein baithak sajayi. Wukla ne marizon se leke unke lawahikeen tak, doctors se leke paramedic staff tak aur walk through gate se leke computers tak. Gharz ye ke Punjab Institute of Cardiology mein maujood har shay ki बुनियादे हिला के रख दी। ये काले कोट में बाशऊर तबके की काली करतूते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हजरत ने शराफत का मुजाहरा किया, बल्कि हकीकत में वुकला के इश्तियाल को इस हद तक पहुंचाने में हमारे आला तालीम याफ्ता तबके का ही किरदार है, क्योंकि 23 नवंबर 2019 को मसीहाओं ने इसी हॉस्पिटल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अपने साथियों के साथ मिलकर चंद वुकला को शदीद फेंटी लगाई। इसके बाद डॉक्टर इरफान ने फतेह का जश्न मनाते हुए अपनी कम्युनिटी से खिताब के दौरान वुकला कम्युनिटी को तासुर दिया कि वो PIC में डॉक्टर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। शान में गुस्ताखी समझते हुए वुकला बरादरी ने घुस के मारने का दावा करते हुए PIC पर धावा बोल दिया। दो जत्थों ने अपनी अना की तस्कीन के लिए मरकज एक अस्पताल चुना, हॉस्पिटल जिसके तकद्दस का ख्याल दौरान जंग भी लाजिम होता है, लेकिन यहाँ तो जंगल का कानून है, जिसका अमली नमूना रियासत की कमजोरी की सूरत में नजर आया कि जब वुकला हजरात ने अलल ऐलान तबले जंग बजाते हुए ऐवान अदल से 2 घंटे पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने कई सरकारी दफातर को क्रॉस किया, कई थानों के सामने से गुजरते हुए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे और ताकत के नशे में चूर बदमस्त हाथी की तरह 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस मार्के के दौरान इंतजामिया ख्वाबे गफलत का शिकार रही। IG पंजाब से CM पंजाब तक, बशमूल लॉ मिनिस्टर पंजाब और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, सब ने इन दरिंदों को मासूम लोगों के कत्ल के लिए खुला छोड़ा हुआ था। इमरान खान साहब, इन अमवात का मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज करवाया जाए, वुकला के खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ या रियासत के खिलाफ? क्योंकि रियासत मदीना में तो अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ते का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो हाकिम वक्त जिम्मेदार होता है, यहाँ तो दिन दिहाड़े 6 इंसानों को कत्ल किया गया है। खान साहब, अब तमाम नजरें आपकी तरफ देख रही हैं। कौम को काले कोट वालों के बाशऊर होने से और सफेद कोट वालों के आला तालीम याफ्ता होने से अब कोई गर्ज नहीं, क्योंकि उन्होंने तालीम और शऊर का जनाजा बहुत धूमधाम से निकाल दिया है और ना ही अवाम को उनके जुडिशियल रिमांड या जिस्मानी रिमांड से कुछ लेना देना है। इन आलमों की तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल में लाते हुए इनके खिलाफ दर्ज शुदा दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात की जानदार पैरवी का हुक्म दिया जाए और हुकूमती वकील को ताकीद की जाए कि इन कातलों को इबरत का निशान बनाने के लिए कानूनी एतबार से कोई कमी न छोड़ी जाए। खान साहब, कौम जानती है कि आपका भांजा हसन न्याजी वुकला के साथ इश्तियाल अंगेजी में पेश था, जिसकी वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है। अवाम के लिए हसन न्याजी आपका भांजा नहीं, बल्कि इस मुल्क और कौम का मुजरिम है। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि रिश्तों के जज्बात में गिरफ्तार हुए बगैर हसन न्याजी को भी बाकी मुजरिमों के साथ इबरत का निशान बनाने में गैर जानिबदार रहेंगे। आई रेस्ट माई केस ऑन द फॉलोइंग नोट। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। सो फाइनली गाइस, आप इस मामले में कोई इनपुट देना चाहते हैं तो काइंडली कॉमेंट सेक्शन में लिखे, और अगर हमारे तजिये से मुतफिक है तो भी काइंडली कॉमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।